जनपद बलरामपुर विकासखंड उतरौला ग्राम सभा फतेहपुर के एक मजरा वजीरगंज जिसमें आज़ादी के बाद से आज तक विकास की रोशनी नहीं पहुंची, वहीं डबल इंजन की सरकार के दावे फेल नजर आ रहे हैं। घर बिजली के वादों पर विद्युत विभाग के अधिकारी पानी फेर रहे हैं। उतरौला मार्केट से कुछ ही दूरी पर ये ग्राम सभा है। ग्रामवासी विद्युत के लिए तरस रहे हैं। ऐसे विद्युत अधिकारियों की वजह से सरकार की छवि को धूमिल किया जा रहा है। ग्राम प्रधान व ग्राम वासियों ने बताया कि कई बार हमने भाजपा विधायक राम प्रताप वर्मा से कहा, उनके द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री को ऑनलाइन शिकायत करने के बाद भी हमारे ग्राम सभा के वजीरगंज गांव में आज तक विद्युत उपलब्ध नहीं हो पाई है। आज के 4 वर्ष पूर्व गांव में खंभे लगवाए गए थे, लेकिन उजाले को लोग आज भी तरस रहे हैं। नमस्कार, मैं विनोद मिश्रा, डीवी भारती देवी पाटन मंडल हेड। हम आए हुए हैं जनपद बलरामपुर विकास खंड उतरौला के अंतर्गत ग्राम सभा फतेहपुर में। एक मजरा है वजीरगंज, वजीरगंज मजरा वजीरगंज में आज़ादी से आज तक उजाले से ये लोग, इनके जीवन में अंधकार ही दिखाई पड़ा और हर घर बिजली की बात वहीं प्रधानमंत्री जी करते हैं कि सभी को घर घर बिजली उपलब्ध कराई गई है। ये कैसी योजना है कि कुछ लोग वंचित हैं और आज तक उनके बच्चों के जीवन में उजाला नहीं आ पाया, क्या कारण है इसके विषय में हम वहाँ के ग्राम प्रधान जी से अभी हम बात कर रहे हैं। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? शांति प्रसाद वर्मा। शांति प्रसाद वर्मा जी, कौन से ग्राम सभा के रहने वाले हैं? ग्राम सभा फतेहपुर विकास खंड उतरौला जी, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर। बलरामपुर, ये बताइए, आपने विद्युत के लिए जी कभी प्रधान जी से या विधायक जी से आपने कुछ कहा? विधायक जी से मैंने 10 बार कह चुका जी। उसके बाद में मैं SDM के यहाँ कई बार एप्लीकेशन दिया, कई बार जा करके मुख्यमंत्री पोर्टल पे ऑनलाइन किया जी। लगभग 4 साल पहले हमारे यहाँ पोल गिरा था जी, लगभग 10-12 पोल 15 पोल गड़ा है। उसके बाद आज तक कुछ काम नहीं हो पाया बिजली का। आज तक हमारे गांव के लोग सब अंधेरे में निवास करते हैं। और इसके विषय में कभी अधिकारी वहाँ जांच के लिए भी नहीं गए? अधिकारी गए हैं, कई बार जा चुके हैं जांच के लिए, बस यही कहते हैं हो जाएगा, लेकिन कोई काम नहीं होता। हाँ, कहते हैं हो जाएगा, लेकिन आज तक कोई काम नहीं होगा। ये शहर से कितनी दूरी पड़ेगा आपका? ये उतरौला से लगभग 15-16 किलोमीटर दूरी पड़ता है जी, लेकिन वजीरगंज के आसपास में जितनी गाँव हैं वो गैसड़ी विधानसभा में लगता है जी। जी, केवल एक नदी के कटान की वजह से नदी इस पार पड़ जाता है ये गांव, इस वजह से वहां से नहीं आ पाता। यहां से जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। अभी तक यहां कोई काम नहीं हुआ? नहीं। फतेहपुर वजीरगंज के रहने वाले हैं, कितने दिनों से लाइट आपके यहाँ नहीं आ रही? नहीं आवा जिंदगी भरे में कितने दिन, खंभा ही नहीं गड़ा? गड़ा रहा, उखड़ गया, खंभा पड़ा है। अच्छा, लेकिन तार उस पे नहीं हुआ? अच्छा, यहाँ अधिकारियों, नेता, मंत्री, विधायक से आप लोगों ने कहा? बहुत देर कहा गया है, बहुत बाजी कहा गया। क्यों दादा, आप लोगों ने कहा कभी? विधायक लोग से आप लोग सब बोले हैं, लेकिन अभी तक तो कुछ कानूनी हुआ नहीं कार्रवाई। कौन से विधायक है आपके? श्यामलाल वर्मा जी नहीं, राम प्रताप वर्मा जी, उनके लड़के, श्यामलाल जी के लड़के, वही है? हाँ, वही विधायक है। इससे काटो दूसरा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।